क्वेश्चन नंबर वन, वह अधिकतम दर जिस पर लगभग त्रुटि रहित डेटा सैद्धांतिक रूप से एक संचार चैनल पर प्रसारित किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी सिग्नल टू शोर अनुपात, ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ, ऑप्शन डी चैनल कैपेसिटी। इसका आंसर है ऑप्शन डी चैनल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर टू, डेटा संचार में निम्नलिखित में से कौन सी विधि डिजिटल डेटा को बिट्स के अनुक्रम में डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए कन्वोल्यूशन कोडिंग, ऑप्शन बी नॉन लाइनियर इनकोडिंग, ऑप्शन सी ब्लॉक कोडिंग, ऑप्शन डी लाइन कोडिंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी लाइन कोडिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन दोनों दिशाओं में एक साथ डेटा ट्रांसमिशन को संभव करता है? ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी फुल सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर फोर, सटीक स्थिति की क्षमताओं को शुरू करने रोकने और पलटने के लिए एक तेज प्रक्रिया के साथ एक स्टेपर मोटर प्रिंटर के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। एक स्टेपर मोटर की घूर्णन गति पूरी तरह से निर्भर होती है। ऑप्शन ए शाफ्ट लोड पर, ऑप्शन बी स्टेटर विद्युत प्रवाह के परिमाण पर, ऑप्शन सी स्टेटर विद्युत प्रवाह की ध्रुवीयता पर, ऑप्शन डी पल्स आवृत्ति पर। इसका आंसर है ऑप्शन डी पल्स आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर फाइव, डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्लोप ओवरलोड विरूपण को किस प्रकार कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्टेप साइज घटाकर, ऑप्शन बी स्टेप साइज स्थिर रखकर, ऑप्शन सी स्टेप साइज शून्य रखकर, ऑप्शन डी स्टेप साइज बढ़ाकर। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टेप साइज बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रणाली को अस्थायी होने के लिए नानक्विस्ट प्लांट में वास्तविक काल्पनिक समतल की उत्पत्ति की शुद्ध घेरे की दिशा होती है। ऑप्शन ए मूल के दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी मूल के दक्षिणावर्त के विपरीत, ऑप्शन सी एस समतल के बाएं पक्ष, ऑप्शन डी एस समतल के दाएं पक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी मूल के दक्षिणावर्त के विपरीत। क्वेश्चन नंबर सेवन, एनालॉग सिग्नल के असतत नमूने पीसीएम प्रणाली के लिए एक समान रूप से क्वांटाइज्ड किए जाते हैं। यदि एनालॉग नमूने का अधिकतम मान 0.1% शुद्धता के साथ प्रतिनिधित्व किया जाना हो तो आवश्यक बाइनरी अंकों की न्यूनतम संख्या लगभग होगी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 11। क्वेश्चन नंबर एट, एक एएम सिग्नल का मॉड्यूलेटिंग सूचकांक 0.80 से 0.50 तक कम किया जाता है। नए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में संपूर्ण शक्ति और मूल सिग्नल का अनुपात लगभग होगा। ऑप्शन ए 0.39, ऑप्शन बी 0.63, ऑप्शन सी 0.85, ऑप्शन डी 1.25। इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.85। क्वेश्चन नंबर नाइन, मॉड्यूलेशन सूचकांक 0.5 के साथ टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए संचार पावर क्षमता लगभग होगी। ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी 11.1%, ऑप्शन सी 16.7%, ऑप्शन डी 21.1%।
इसका आंसर है ऑप्शन बी 11.1%। क्वेश्चन नंबर 10। ISDN में BRI के निम्नलिखित में से कौन से चैनल होते हैं? ऑप्शन ए 30B+1D, ऑप्शन बी 2B+1D, ऑप्शन सी 30B+2D, ऑप्शन डी केवल 2B चैनल। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2B+1D।